हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एग्जांपल्स जो कि चल रहे थे रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी पर और रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा क्या है। ए स्मॉल बीड स्लाइड्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी। एक तो आपको दिया हुआ है कि स्पीड कॉन्स्टेंट है, मीन्स एक्सेलरेशन हमारी कॉन्स्टेंट है और वो कितनी है, हमारी वी है। On a smooth wire in the shape of curve R is equal to A 1 minus cos theta। ये हमारी कर्व है और ये गिवन है, हमारी जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि V जो है वो कॉन्स्टेंट है। और जो V होती है हमारी वेलोसिटी, वो क्या होती है, रेडियल वेलोसिटी का स्क्वेयर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर रूट, वो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है। यहां उसका स्पीड कहने का मतलब वेलोसिटी से है और वेलोसिटी का मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी से है। और दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप यानी कि वी दी हुई है, वी कॉन्स्टेंट है और तो वी कॉन्स्टेंट है तो वी को वी ही रखते हैं, सी भी कहने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू वी। और ये आपको पता है जो वेलोसिटी होती है रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाई डी टी होती है और इसका स्क्वेयर प्लस ये होती है हमारी आर डी थीटा बाय डी टी और इसका स्क्वेयर और इस पूरे का स्क्वेयर रूट इक्वल टू वी। और यहां से अगर आप देखेंगे तो डी आर बाय डी टी का स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर डी थीटा बाय डी टी का स्क्वेयर इक्वल टू वी स्क्वेयर, यानी यहां से हमारा ये आया है। और हमें निकालना क्या है, प्रूव करके दिखाना है डी थीटा बाय डी टी इसके इक्वल होगा। पहले ये काम करते हैं, उसके बाद हम बाद में आगे मैं आपको समझाऊंगा कि हमें क्या प्रूव करना है। तो देखिए यहां से यानी कि ये निकलेगा हमारा डी थीटा बाय डी टी। अब इसको कैसे निकालेंगे, और हमें वी की टर्म में निकालना है। वी देखिए हमारा यहाँ आ चुका है, वी स्क्वेयर आ चुका है, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर वन और इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन यहां से तो मेरे को क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी निकालना है। तो यहां से आपका डी आर बाई डी टी कितना आएगा, डी आर बाई डी टी आपका आएगा ए और यहां पर देखिए वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है और एक माइनस पहले से है तो वो प्लस का साइन थीटा हो जाएगा और साथ में क्या आएगा हमारे पास, डी थीटा बाय डी टी आएगा। तो ये आपकी वैल्यू आई है डी आर बाई डी टी की। और ये वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी इन इक्वेशन नंबर सेकंड में हम इसको पुट कर देते हैं। तो देखिए इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करने जा रहा हूं, तो आप यहां से देखिए मैं इसे पुट करूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, तो वी स्क्वायर आपका इक्वल आएगा डी आर बाई डी टी की स्क्वेयर। डी आर बाई डी टी की वैल्यू ये आई है यानी कि ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और आपका आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी की होल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए ये आपकी आर की वैल्यू है तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर वन माइनस कोस थीटा की होल स्क्वेयर और साथ में आपका है डी थीटा बाई डी टी की होल स्क्वेयर। आप देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है आपका डी थीटा बाय डी टी की होल स्क्वेयर आपका कॉमन आ रहा है और आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर, इसका भी मैं स्क्वेयर खोल देता हूं, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर और माइनस टू ए बी यानी कि माइनस टू कोस थीटा आपका आएगा। अब मैं इसको दिस इज विल बी इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी की होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस टू कोस थीटा, ये आपका आया। अब देखिए यहां से डी थीटा बाय डी टी की स्क्वेयर और यहां से इससे और इसमें से मैं अगर ए स्क्वेयर कॉमन लेता हूं तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा वन हो जाएगा, यानी यहां से आएगा ए स्क्वेयर एक ए स्क्वेयर ये आपका, यानी ये बनेगा आपका टू ए स्क्वेयर टोटल इन तीनों को मिलाकर और ये आपका है माइनस टू कोस थीटा। और इसके साथ में देखिए ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई करना था तो ये बनेगा आपका टू ए स्क्वेयर कोस थीटा और यहां पर भी
टू ए स्क्वेयर कोस कोस थीटा। अब यहां से देखिए डी थीटा बाई डी टी की स्क्वेयर, टू ए स्क्वेयर हमारा कॉमन है और अंदर आपके पास बचेगा वन माइनस कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा हमारे पास बचेगा, ये इक्वल होगा डी थीटा बाई डी टी की स्क्वेयर के, और आपको ये इंटू में टू ए स्क्वेयर इंटू में वन माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू, टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू आपका आएगा यहां से। तो आप देखिए यहां से यानी कि ये आपका आया है, यहां से मुझे डी थीटा बाय डी स्क्वेयर की वैल्यू अगर निकालनी है, दिस विल इंप्लाइज डी थीटा बाय डी टी स्क्वेयर इक्वल टू, ये आपका था वी स्क्वेयर और अपॉन में चला जाएगा ये सारे की सारी क्वांटिटी जो कि है टू टू जा फोर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू, मीन्स डी थीटा बाय डी टी आपका देखिए कितना आएगा, डी थीटा बाय डी टी आएगा, दिस इंप्लाइज डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू, इसका स्क्वेयर रूट बनेगा वी और यहां पर आपका फोर का टू, ए स्क्वेयर का बनेगा आपका ए और ये बनेगा आपका साइन थीटा बाय टू। यानी कि देखिए यहां पर मैंने ये गलती से लिख दिया था, ये प्रूव करना था वी बाय टू ए साइन थीटा बाय टू, तो यहां से ये हमारा आ चुका है वी बाय टू ए साइन थीटा बाय टू, तो हमारा ये पार्ट प्रूव हो चुका है। उसके बाद देखिए उसने कहा है प्रूव करके दिखाना है कि रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। रेडियल एक्सेलरेशन का हमें फार्मूला पता है, रेडियल एक्सेलरेशन का हमारा फार्मूला होता है डी टू आर ओवर में डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी की होल स्क्वेयर, ये हमें निकालनी है और ये प्रूव करके दिखानी है ये हमारी क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो देखिए तो यानी सबसे पहले तो हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें चाहिए, तो डी आर बाई डी टी देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन डी आर बाई डी टी आपका क्या बन जाएगा, अब ये आपका बनेगा ए साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी की जो आपकी वैल्यू आई है वो आई है आपकी वी बाई में 2a और साइन थीटा बाय 2, ये आपकी वैल्यू आई है जो मैंने इसमें पुट कर दी। आप देखिए यहां से a कैंसल हो रहा है और साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 और इनटू में ये आपका v है और अपॉन में 2 साइन थीटा बाय 2, ये आपका है। देखिए यहां से ये 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2 से ये साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा वी कोस थीटा बाय 2, ये आपके पास यहां से आएगा। तो वी कोस थीटा बाय 2 हमारे पास आया है, यानी कि ये आया है आपका डी आर बाय डी टी और वी ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है तो इसको हम वी को एस टीज रख सकते हैं। अब इसका मैं अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालता हूं, देखिए डी टू आर ओवर में डी टी स्क्वेयर अगर मैं करता हूं तो क्या आ जाएगा, वी कोस का डेरिवेटिव क्या होगा साइन थीटा बाय टू और यहां पर फिर हम करेंगे थीटा बाय टू का वन बाय टू और ये आ जाएगा आपका डी थीटा बाय में डी टी, ये हमारा यहां से आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू देखिए माइनस वी साइन थीटा बाय टू और ये 1 बाय टू यहां पर लिख लेते हैं, वी बाय टू बन जाएगा, डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू फिर से पुट कीजिए, ये आपकी वैल्यू है वी बाय में 2a साइन थीटा बाय 2, ये आपकी यहां पर वैल्यू है। देखिए यहां साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 फिर कैंसिल हो रहा है, यानी ये आपका बनेगा माइनस वी स्क्वेयर बाय में 4a, ये आपका आया है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वेयर। अब आर आपके पास है, डी थीटा बाय डी टी आपके पास है, ये सब वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं और प्रूव करेंगे कि जो हमारी रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या है कांस्टेंट है। इसके लिए देखिए अब मैं उसको रब कर रहा हूं बाकी दरवाले को और उसको रब करने के बाद मैं आगे क्वेश्चन वहां पर करूंगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं उधर का स्पेस यूज करने जा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से ये हमारी वैल्यू आ चुकी है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वेयर की माइनस बी स्क्वेयर बाय 4a, रेडियल एक्सेलरेशन का हमारा ये फार्मूला होता है, यहां मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये मेरी वैल्यू आई थी माइनस बी स्क्वेयर बाय में 4a और आपकी r की वैल्यू है a 1 माइनस कोस थीटा और डी थीटा बाय डी टी की जो होल स्क्वेयर की वैल्यू थी वो ये आपकी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप वी स्क्वेयर बाय में
फोर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू थी। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं माइनस वी स्क्वेयर बाय फोर ए माइनस ए, इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस कोस टू थीटा को टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला मैंने यूज किया है, और इनटू में वी स्क्वेयर बाय में फोर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपका, एक ए से हमारा एक ए कैंसिल हो रहा है और टू टू जा फोर कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बचेगा माइनस वी स्क्वेयर बाय में फोर ए, और यहां से आपके पास बच रहा है वी स्क्वेयर बाय में आप देखेंगे टू ए, ये हमारे पास यहां बच रहा है ये माइनस का। अब यहां से अगर मैं एलसीएम लू कह लीजिए तो अगर मैं एलसीएम लू तो मेरा एलसीएम आता है यहां पर 4a, यहां आपका आएगा वी स्क्वेयर और यहां 2 टू जा 4, तो 2 टू जा 4 से यहां आ जाएगा आपका 2 वी स्क्वेयर, यानी ये आपका बनेगा माइनस 3 वी स्क्वेयर बाय में 4a, तो 3 बाय 4a, v कांस्टेंट है ऑलरेडी गिवन है वेलोसिटी, तो ये सारा का सारा क्या है हमारा कांस्टेंट है, और यही हमें प्रूव करना था कि हमारी जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें कहा गया है पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए, यानी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस कितनी है ए है, तो हमें बस सिर्फ ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है सर्कल में तो उसकी जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन होती है वो होती है आर इज इक्वल टू टू ए कोस थीटा, जहां पर ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आगे बिल्कुल अब इजी है, अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, सिर्फ ये आपको यहां पर नहीं दिया हुआ डायरेक्ट, और क्वेश्चंस के अंदर आर और थीटा में रिलेशन डायरेक्ट दिया होता है, यहां पर उसने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया, और आपको ये खुद याद रखनी पड़ेगी कि सर्कुलर पाथ की जो इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म में वो ये होती है जिसकी रेडियस ए हो। अब हमें ये कहा है कि शो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इन द सर्कमफेरेंस इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू ओमेगा, सो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी, वो कह रहा है कि ये इसके अंदर क्या है हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, सीधी सी एक ही बात है कि यानी कि डी थीटा बाई डी टी आपको कांस्टेंट दिया हुआ है और ये इक्वल दी हुई है ओमेगा के, ये गिवन है आपको, यहां पर प्रूव करके दिखाना है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एवरी पॉइंट इज ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीच्यूड ऑफ 4a ओमेगा स्क्वेयर, कहने का मीन सिर्फ इतना सा है कि जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगी यानी कि जो किससे बनती है ट्रांसवर्स और रेडियल एक्सेलरेशन के स्क्वेयर का सम करने से और उसका स्क्वेयर रूट निकालने से वो बनेगी, तो वो टोटल उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 4a ओमेगा स्क्वेयर आएगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको रेडियल एक्सेलरेशन निकालनी है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालनी है और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालनी है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगी हमारी वो इतनी आएगी, ये हमें प्रूव करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो निकालते हैं, देखिए डी आर बाई डी टी हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a cos थीटा का डेरिवेटिव होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये आपका है डी थीटा बाय में डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस टू ए, ये आपकी गिवन है, ये ओमेगा है और ये हमारा यहाँ पर साइन थीटा, तो आर इज इक्वल टू टू ए कोस थीटा आपको यहाँ पर गिवन है, उसके बाद देखिए अगर मैं यहां से सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं डी आर टू आर ओवर डी टी स्क्वेयर, ये इक्वल होगा किसके 2a ओमेगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होगा, और फिर थीटा का डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी अगेन ओमेगा के इक्वल प्रूव किया जाए पुट किया जाएगा, तो 2a ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर दिस इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो 2a कोस थीटा, 2a cos थीटा किसके इक्वल है r के इक्वल है, यानी ये आपका बनेगा r ओमेगा स्क्वायर माइनस का। तो अब रेडियल जो एक्सेलरेशन होगी, रेडियल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी की होल स्क्वेयर होता है, तो यहां पर सबकी वैल्यू पुट कीजिए, यानी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर माइनस आर, और ये डी थीटा बाय डी टी आपकी ओमेगा है, यहां से ओमेगा स्क्वेयर
यानी ये आपकी बन जाएगी माइनस टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हम निकाल चुके हैं रेडियल एक्सेलरेशन। अब हम निकालते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का आपका फार्मूला होता है वन बाय आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी। तो ये भी बड़ा सिंपल है, वन बाय आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा का हमें निकालना है, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ओमेगा है। वन बाय आर यहां पर हो जाएगा आपका ओमेगा बाय आर, ओमेगा को बाहर ले सकते हैं कॉन्स्टेंट की वजह से, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा टू आर, और फिर हमारा आएगा डी आर बाय डी टी। दिस इज इक्वल टू ओमेगा बाय आर इंटू टू आर, और डी आर बाय डी टी की वैल्यू आपकी देखिए ये थी टू ए साइन थीटा माइनस टू ए ओमेगा साइन थीटा, ये आपकी डी आर बाय डी टी की वैल्यू थी जो हमने यहां पर पुट की है टू आर, और ये हमारा डी आर बाय डी टी। यहां पर देखिए आर, तो देखिए ये हमारा बनेगा यहां पर आर से आर कैंसिल हो रहा है, ये आपका आएगा माइनस फोर ए ओमेगा टू टू जा फोर ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा यहां से आई है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। और यहां पर भी देखिए अगर मैं आर की वैल्यू पुट कर देता हूं तो माइनस टू, आर की वैल्यू आपकी है टू ए कोस थीटा ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका बन जाता है माइनस फोर ए ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। तो ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी, हमारी जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होगी ये आपकी, तो यहां से बनेगा हमारा देखिए 16 ए स्क्वायर ओमेगा की 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 16 ए स्क्वायर ओमेगा की 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इतना हमारा कॉमन आ रहा है तो यहां पर आपका बनेगा 16 ए स्क्वायर ओमेगा की 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 4 ए ओमेगा स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये यहां पर स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा कि सर्कुलर पाथ की जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन होती है वो ये होती है जिस सर्कल की रेडियस ए हो। तो बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम है जितने क्वेश्चन हमने किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है हमें, एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व इज रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट। कोई एक मूविंग पॉइंट है उसकी एक्सेलरेशन जो मूव कर रहा है पॉइंट किसके अलोंग, प्लेन कर्व के अलोंग, यानी कि देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये कोई प्लेन कर्व है जहां पर जिसके अलोंग हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और P कोई पोजीशन है एट एनी टाइम T पार्टिकल की, और ये हमारा क्या बनेगा, रेडियस वेक्टर बनेगा, ये रेडियस वेक्टर है हमारा। अब देखिए उसने ये कहा है जो यहां पर एक्सेलरेशन है हमारी, इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो दो पार्ट में रिजोल्व कर दी गई है, कैसे, वन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन, एक तो पैरेलल है इनिशियल लाइन के, देखिए इनिशियल लाइन ये है, यानी कि एक पैरेलल है इनिशियल लाइन के, ये इनिशियल लाइन ओ एक्स की हमने पैरेलल इधर से रिजोल्व करनी है। तो इस एक्सेलरेशन को मैंने मान ली, ये हमारी एक तो ये रिजोल्व हुई है वन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन एंड द अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर, और दूसरी किसके अलोंग है, ये मेरे रेडियस वेक्टर के अलोंग है, ये आपका रेडियस वेक्टर है इसके अलोंग है। अब देखिए यहां से आपको पता है ये मेरा रेडियस वेक्टर है, तो ये मैंने रेडियस वेक्टर के ऊपर क्या ड्रा किया है, टेंजेंट अगर मैं ड्रा करता हूं इसे, ये देखिए ये मैंने टेंजेंट अगर ड्रा कर रहा हूं, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो जो वेलोसिटी इसके अलोंग होगी, जो एक्सेलरेशन इसके अलोंग होगी उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियल एक्सेलरेशन, और जो इस लाइन के अलोंग होगी उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अब देखिए अब उसने कहा है कि हमको, हमने जो एक्सेलरेशन है वो रिजोल्व की है दो पार्ट में, एक तो इसके अलोंग है तो इसको मैंने नाम दिया एफ वन एक्सेलरेशन, और दूसरी जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो काम कर रही है जो रिजोल्व होकर वो एफ टू है, और वो किसके अलोंग काम कर रही है, रेडियस वेक्टर के अलोंग, इसे मैंने कहा ये हमारा क्या है,
एफ टू है। अब देखिए, अब मैं फर्दर एफ वन को अगर रिजोल्व करना चाहूं, एक तो इस डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में मैं अगर इसको रिजोल्व करूंगा, तो आप देखिए ये क्या बनेगी हमारी, ये आपकी यहां से आएगी एफ वन कोस थीटा, यानी जो पार्ट आएगा हमारा इसका रिजोल्व पार्ट अलोंग दी रेडियस वेक्टर वो क्या आएगा एफ वन कोस थीटा आएगा, और इसके अलोंग जो आएगा वो क्या आएगा हमारा एफ वन साइन थीटा आएगा। दोबारा क्वेश्चन को समझिए, उसने कहा है कि जो एक्सिलरेशन है पी पॉइंट पर वो रिजोल्व की गई है दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट कहां है जो पी पॉइंट से इनिशियल लाइन के पैरेलल लाइन है वहां एक्ट कर रहा है, तो ये मैंने एक्ट कराई और उसको नाम दिया एफ वन, और दूसरा कंपोनेंट अलोंग दी रेडियस वेक्टर काम कर रहा है तो वो ये मैंने उसको नाम दिया एफ टू। फर्दर अब क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एफ वन को रिजोल्व कर रहा हूं दो पार्ट में, तो एक पार्ट मैंने रिजोल्व किया अलोंग दी रेडियस वेक्टर जी, तो ये पार्ट क्या होगा हमारा एफ वन कोस थीटा, और एक पार्ट मैंने रिजोल्व किया किसके अलोंग, जो ये परपेंडिकुलर था इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अलोंग, और ये क्या है हमारा एफ वन साइन थीटा बनेगा, ये हमारा जो पार्ट होगा और जहां पर ये वाला जो एंगल है ये क्या है हमारा थीटा है। तो अब यहां से देखिए आप कैसे शुरू करेंगे क्वेश्चन को, देखिए आप लिखेंगे वी नो दैट जो आपकी जो वी नो दैट रेडियल एक्सेलरेशन जो आपकी होती है वो क्या होती है, रेडियल एक्सेलरेशन आपकी किसकी इक्वल होती है, वो इक्वल होती है डी टू आर ओवर में डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी स्क्वेयर के, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट की स्क्वेयर, क्योंकि इसने यहां पर ये नोटेशंस यूज की हैं तो इसलिए मैंने भी इसको इस नोटेशन में ले आया हूं। अब देखिए रेडियल एक्सेलरेशन जो है ये आई है, और रेडियल एक्सेलरेशन यहां से देखिए कौन सी होगी, रेडियल एक्सेलरेशन जो अलोंग दी रेडियस वेक्टर काम करेगी, और अलोंग दी रेडियस वेक्टर यहां पर दो दो एक्सेलरेशन काम कर रही है, एक एफ टू जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है और एक हमने रिजोल्व पार्ट निकाला है इस एफ वन एक्सेलरेशन का, जो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है एफ वन उसका हमने रिजोल्व पार्ट की है, वो एफ वन कोस थीटा उसका एक रिजोल्व पार्ट है, वो भी इसी रेडियस वेक्टर के अलोंग काम करेगा, तो यानी कि जो टोटल हुई हमारी एक्सेलरेशन जो रेडियस वेक्टर के अलोंग काम कर रही है वो कौन कर रही है, वो ये दोनों मिलकर कर रही है, और वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, तो यहां से देखिए यानी कि एफ वन कोस थीटा प्लस एफ टू जो होगा वो इस क्वांटिटी के हमारे इक्वल होगा। आप देखिए ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आपकी क्या होती है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमारी जो होती है वो क्या होती है वन बाय आर डी बाय डी टी ऑफ आर स्क्वेयर डी थीटा बाय टी टी, ये होती है, इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे वन बाय आर डी बाय डी टी ऑफ आर स्क्वेयर थीटा डॉट, क्योंकि इसी का इस्तेमाल उसने किया है। अब देखिए जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो किसके अलोंग एक्ट करेगी, इसके अलोंग एक्ट करेगी। अगर मैं इस वाली एक्सेलरेशन को इस टर्म में लिखना चाहूं तो किसके लिखूंगा, तो देखिए इन दोनों का बैक, क्योंकि ये एक ही लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है और ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है सिर्फ, तो यानी कि ये और ये सेम होगी लेकिन इनके साइन अपोजिट होंगे, यानी कि ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एफ वन साइन थीटा के आपके इक्वल होगी विद नेगेटिव साइन। तो देखिए अब इसे कहिए इक्वेशन नंबर वन और इसे कहिए इक्वेशन नंबर टू। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एफ वन और एफ टू निकालकर दिखाने हैं कि एफ वन ये है और एफ टू ये है, तो ये आपका देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो गया। यहां से अगर मैं एफ वन की वैल्यू निकालता हूं, यहां से एफ वन की वैल्यू मैं निकालता हूं तो क्या होगी वन बाय आर, ये साइन थीटा इधर चला जाएगा, नेगेटिव साइन को भी मैं उधर लेकर जा रहा हूं, और ये आपका क्या हो जाएगा डी बाय डी टी आर स्क्वेयर थीटा डॉट, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए पहला कंपोनेंट ये होगा माइनस वन बाय आर साइन थीटा डी बाय डी टी आर स्क्वेयर थीटा डॉट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ समझने की बात है। अब देखिए मैं एफ वन की वैल्यू पुट कर देता हूं इन इक्वेशन नंबर वन, तो फ्रॉम इक्वेशन वन जो F2 होगा वो किसके इक्वल होगा, F2 विल बी इक्वल टू
आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट की स्क्वेयर और माइनस एफ वन कोस थीटा। तो ये आपका बनेगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट की स्क्वेयर माइनस एफ वन की वैल्यू आपकी आई है वन बाई आर साइन थीटा डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वेयर थीटा डॉट, और ये बन जाएगा आपका प्लस क्योंकि एक माइनस वो है एक माइनस ये है, तो ये और आपका साथ में है कोस थीटा, तो ये साथ में कोस थीटा हम यहां लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपका बन गया आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट की स्क्वेयर प्लस ये कोस बाय साइन क्या होता है कोस थीटा बाय में आर, और ये बना आपका डी बाय डी टी आर स्क्वेयर थीटा डॉट। तो ये देखिए यही हमें प्रूव करना था कोट थीटा बाय आर डी बाय डी टी आर स्क्वेयर थीटा डॉट प्लस आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट की स्क्वेयर एफ टू इसके इक्वल होगा, और जो हमारा प्रूव हो चुका है। तो बड़ी सिंपल सी बात थी, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन, नोटेशंस ज्यादा यूज हुई है इसलिए लगता है डिफिकल्ट है, वैसे सबसे इजी क्वेश्चन है ये हमारा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, एक एग्जाम्पल और करते हैं उसका। देखिए देखिए ये एग्जाम्पल करेंगे हम, एन इंसेक्ट क्रॉल्स एट ए कॉन्स्टेंट रेट यू अलोंग द स्पोक ऑफ ए कार्टव्हील ऑफ रेडियस ए। देखिए कोई कार्टव्हील है, कार्टव्हील यानी कि कोई आपने कुमार का चाक देखा होगा विलेजेस में, कुमार का चाक, चाक में जिसके ऊपर वो बर्तन बनाता है, देखिए वो गोल होता है बिल्कुल और वो घूमता है, यानी उसे आप कह लीजिए वो कार्टव्हील है हमारा। तो कार्टव्हील है यानी इस कार्टव्हील का ये ओ सेंटर है और ये इसका स्पोक है। मान लीजिए यहां पर मैंने कोई डंडी रख दी है उस कार्टव्हील के ऊपर, तो ये कार्टव्हील है और ये इनिशियली जो हमारा जो ये ओ ए ऐसे रखा हुआ है, अब ये मूविंग स्टेट में नहीं है। अब देखिए वो कह रहा है कि एक इंसेक्ट है अलोंग द स्पोक ऑफ ए कार्टव्हील, एक इंसेक्ट जो क्रॉल कर रहा है, यानी कि इंसेक्ट मैंने माना वो ओ पर है और वो किसके अलोंग अलोंग क्रॉल कर रहा है यानी रेंग रहा है यानी चल रहा है ओ ए के अलोंग चल रहा है, तो ओ ए के अलोंग चल रहा है वो और कार्टव्हील भी हमारा क्या हो रहा है घूम रहा है। तो उसने ये कहा है कि जो कार्ट मूव कर रहा है वो विद वेलोसिटी वी कर रहा है, यानी कि जो ये घूम रहा है हमारा कार्टव्हील इसकी वेलोसिटी वी है, और जो ये इंसेक्ट है यहां पर मान लीजिए इंसेक्ट हमारा ओ पॉइंट पर है, यहां पर इस इंसेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कॉन्स्टेंट रेट है उसका मूव करने का वो यू है। तो आप ये देखिए ओ ए मेरा कार्ट है और जो हमारा जो इंसेक्ट है वो क्रॉल कर रहा है किसके अलोंग ओ ए के अलोंग, और मैंने सपोज किया इनिशियली जो मेरा इंसेक्ट है वो ओ पोजीशन पर है, यानी जब तक अभी तक चला नहीं है सिस्टम वो यहां पर बैठा हुआ है, कहने का मीन्स ये है। तो हम लिखेंगे लेट ओ ए क्या है हमारा स्पोक ऑफ कार्टव्हील, दूसरा ओ क्या चीज है इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑफ इंसेक्ट। अब देखिए यू क्या है वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट, और वी क्या है वेलोसिटी ऑफ कार्टव्हील, ये कार्टव्हील की वेलोसिटी है। अब देखिए जब ये मूव करेगा तो मैं सपोज अब ये कार्टव्हील मूव कर रहा है सपोज कर लीजिए, तो क्या होगा थोड़ी देर में जब कार्टव्हील मूव करेगा ये तो अपनी पोजीशन पर ही है वैसे तो ओ ए, लेकिन ये मूव करेगा तो मान लीजिए ये वाली पोजीशन आ जाती है हमारी जब ये चीज यहां पहुंच जाती है, इसको इमेजिन कर देखिए चलेगा ये, जब ये चलेगा तो यानी कि ये वाला पॉइंट भी तो कभी यहां आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट यहां आ गया तो ये हमारी बी पोजीशन है और ये हमारी ओ बी हमारा स्पोक है, यानी स्पोक ये ओ ए ओ बी पोजीशन पर पहुंच गया किसी टाइम टी पर। अब टी टाइम पर वो उसने कौन सी पोजीशन पर ले ली है ओ बी पोजीशन ले ली है, और जो ये एंगल बनाया है ये हमारा एंगल बन रहा है थीटा, ये किसकी वजह से बन रहा है
कार्ट व्हील के मूव करने की वजह से बन रहा है। दूसरा देखिए, जब ये चलेगा हमारा ओ से ए की तरफ, तो जब टी टाइम में ए से बी तक हमारा जो कार्ट व्हील पहुंचा है, तो जो हमारा ये इंसेक्ट है ये भी तो रेंग रहा है, ये यहां से चलकर मान लो यहां पहुंच गया, यहां पहुंचने का मतलब ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया पी पर, क्योंकि इसने अभी ये पोजिशन ले ली है। अभी इस बात को समझना है आपने, तो आप लिखोगे लेट पी बी दी पोजिशन ऑफ इंसेक्ट एट एनी टाइम टी अलोंग ओ ए या अलोंग ओ ए दैट हैज टेकन न्यू पोजिशन ओ बी, जिसने अब नई पोजिशन क्या ले लिया, ओ ए ने नई पोजिशन ओ बी ले लिया, और पी तक हमारा जो नई पोजिशन हमारा जो इंसेक्ट है वो कहां पहुंच गया है, पी पर पहुंच गया है। अब देखिए अगर मैं ओपी को निकालना चाहूं, यानी ये आर रेडियस वेक्टर आर निकालूंगा, तो यानी डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालनी है, तो वो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम के। आप लिखेंगे एज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम, दिस इंप्लाइज जो आर है डिस्प्लेसमेंट, मैंने इसमें शो कर दी आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कितनी है हमारी इंसेक्ट की, यू है, और टाइम आपका टी है, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, यूटी के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं यहां से डी आर बाई डी टी निकालता हूं, तो वो आपका क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यानी वेलोसिटी आ गई हमारी, दी हुई थी रेट, कॉन्स्टेंट रेट है हमारा, यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारी यू है, और यहां से डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि यू आपका कॉन्स्टेंट रेट है, तो यानी ये जब कॉन्स्टेंट है तो इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा हमारा। इन चीजों का अभी हमें यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये यहां पर आपको निकाल कर दिखाई। ये तो हुई इंसेक्ट की बात, इंसेक्ट के लिए हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकाली एट एनी टाइम टी, उससे हमने वेलोसिटी निकाली और उससे हमने एक्सेलरेशन निकाली। आप ये कह सकते हैं रेडियल वेलोसिटी हमने यहां पर निकाली और उसका डबल डेरिवेटिव निकाला है, एक्सेलरेशन खैर दूसरी टर्म आ जाएगी यहां पर, रेडियल एक्सेलरेशन हम अभी हम निकालेंगे, उसका फार्मूला अलग होता है लेकिन उसमें इसका यूज होगा। अब देखिए तो जो हमारी जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इसके अलोंग आएगी, ओ ए के अलोंग या ओ बी के अलोंग कह दीजिए, क्योंकि ये एक ही लाइन है लेकिन इनकी पोजीशन अलग अलग है अलग अलग टाइम पर, तो वो हमारी क्या होगी, रेडियल एक्सेलरेशन होगी। और जो परपेंडिकुलर आएगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ये एक तरीके से ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, कार्ट व्हील के ऊपर। कैसे, देखिए अब ये इसके ऊपर इस तरीके से घूम रहा है, ये यहां है इस तरीके से ये घूम रहा है, अगर तो अगर आप वर्टिकली देखें, वर्टिकली देखें तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो कार्ट व्हील जो कार्ट व्हील है हमारा वो परपेंडिकुलर है स्पोक के ऊपर वर्टिकली, आप ऐसा ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन करिए इस चीज को, तो वो वर्टिकली होगा और जो कार्ट मूव कर रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, वो हमारा थीटा का बना रहा है। तो यहां से आप लिखेंगे डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा आर डी थीटा बाई डी टी होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसके अलोंग है ये हमारा, आर के अलोंग है, तो आर भी हमने लिया, आर डी थीटा बाई डी टी जो होगा वो किसके इक्वल दी हुई है, यानी कार्ट व्हील की वेलोसिटी होगी, वो हमारी वो कितनी दी है हमें, वी दी हुई है आपको, और आर क्या है हमारी, रेडियस है यहां पर, रेडियस ऑफ दी कार्ट व्हील। तो यहां से दिस इंप्लाइज डी थीटा बाई डी टी भी कितना आ जाएगा, वी बाय ए, और ये भी क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है, तो ये टोटल कॉन्स्टेंट होगा। दिस इंप्लाइज डी टू थीटा ओवर में डी टी स्क्वेयर भी आपका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये आपको बस सिर्फ दो चीजें ये ध्यान रखनी है और बाकी सब आपने लिखना है। तो ये चीजें समझने की है, थोड़ा इमेजिन करने की है, इजी सा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आपको थोड़ा सा कल्पना करनी पड़ेगी, इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा और वहां से चीजें आपको समझ आएगी। जितना मैं समझा पा रहा हूं मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर सीधा फार्मूला लगाना है आपको, रेडियल एक्सेलरेशन जो होती है हमारी, क्योंकि उसने कहा है हमें क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू दिस स्पोक। अलोंग का मतलब क्या है,
रेडियस वेक्टर के अलोंग यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन, और जो परपेंडिकुलर होगी वो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, डी टू आर ओवर में डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाय में डी टी की स्क्वेयर आपका होता है। और यहां से ये जीरो आया है आपका, देखिए ये देखिए यहां से डी टू आर ओवर डी टी स्क्वेयर आपका जीरो आया था। आर आपका कितना है, आर की वैल्यू आपकी यहां से यू टी है यू टी, और डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू, डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू आपकी कितनी है वी बाय ए है और इसका स्क्वेयर। तो ये आपका आया है माइनस यू टी वी स्क्वेयर बाय में स्क्वेयर भी है। तो ये हमारी क्या आई है, रेडियल एक्सेलरेशन यहां से आई है। अब थीटा बाय डी टी, अब यहां से अगर आप देखें वन बाय आर, अगर मैं इसको ओपन करता हूं, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे सेकंड फंक्शन का प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपका आएगा टू आर डी आर बाय में डी टी। अब यहां से इसको वन बाय आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए कितना आएगा, आर डी टू थीटा ओवर में डी टी स्क्वेयर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आर से आर कैंसल, टू डी आर बाय डी टी और डी थीटा बाय डी टी आपका आएगा। और डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वेयर की वैल्यू आपकी जीरो है और यहां से टू डी आर बाय डी टी की वैल्यू आप देखिए, डी आर बाय डी टी की वैल्यू आपकी यू थी और डी थीटा बाय डी टी की जो वैल्यू है आपकी वी बाय ए है। तो ये आपका बन जाएगा टू यू वी बाय में ए। तो ये हमारी आई है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, यही हमें यहां पर निकालना था, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।